बॉलीवुड के कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट अभी रिलीज होने वाले हैं। दोस्तों सिर्फ दीपिका पादुकोण पे 300 करोड़ रुपए लगे हैं। धर्मा प्रोडक्शन के दो बड़े प्रोजेक्ट तख्त और ब्रह्मास्त्र, ये दो प्रोजेक्ट 500 करोड़ के हैं। जब लॉकडाउन हो गया था तो थिएटर्स बंद होने के कारण बॉलीवुड बहुत लो फेज से गुजर रहा था, लेकिन अनलॉक के बाद इस ड्रगी इमेज के कारण बॉलीवुड तो और भी बहुत बुरे फेज से गुजर रहा है। दोस्तों ये जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, ये इन टॉप सेलिब्रिटीज के ऊपर पैसा लगाने के पहले अभी सोच रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि किसको कास्ट करेंगे तो सड़क 3 बन जाएगी। और दूसरी तरफ एडवर्टाइजर्स इन टॉप सेलिब्रिटीज के साथ एसोसिएशन करने के पहले सोच रहे हैं, क्योंकि उनकी ड्रगी इमेज इनके प्रोडक्ट इमेज को हार्म कर सकती है। एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री का सिंपल फंडा है, जितनी अच्छी आपकी इमेज उतने ज्यादा एड्स, उतने ज्यादा पैसे। एग्जाम्पल ले लो शाहरुख खान सर की इमेज है द फैमिली मैन, तो उनको ज्यादा एड्स भी मिलते हैं और उतने ज्यादा पैसे भी मिलते हैं। लेकिन सलमान खान उतने ही बड़े एक्टर, लेकिन उतने ज्यादा एड्स नहीं मिलते, क्योंकि उनकी पास्ट लाइफ, आपको तो पता ही होगा सलमान खान की पास्ट लाइफ कितनी कॉन्ट्रोवर्शियल है। दोस्तों आप ही मुझे बताओ संजय दत्त ने कितनी एड्स की है, और उनके ऑपोजिट है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ने अपने काम के थ्रू, अपनी मूवीज, अपने एड्स के थ्रू अपनी इमेज एक देशभक्त ऐसी बना के रखी है, और उसी रीजन की वजह से उन्हें उतना ही ज्यादा एडवर्टाइजमेंट का काम मिल जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है, ये आधे से ज्यादा पैसा तो एड से निकालते हैं। आपको मैं बता दूं 2019 का बॉलीवुड बिजनेस रेवेन्यू है 14,200 करोड़ रुपीज, और उसी साल का एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू है 80,000 करोड़ रुपीज, जिसमें से मोस्ट ऑफ द अमाउंट टीवी स्टार्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और क्रिकेट पर्सनालिटीज को जाती है। दोस्तों कई सारे एडवर्टाइजर्स की एक पॉलिसी रहती है, उन्हें ड्रग्स और ड्रिंक्स के रिलेटेड किसी भी चीज से एसोसिएशन नहीं करना रहता है। तो इन सब के बाद क्या वो इन ड्रग्स रिलेटेड टॉप सेलिब्रिटीज के साथ एसोसिएशन करेंगे? नहीं। तो बॉलीवुड बिजनेस का रेवेन्यू अगर 10% से भी कम हो जाता है तो 10,000 करोड़ का नुकसान होता है बॉलीवुड को, और ये जो लॉस्ट रेवेन्यू है वो डायरेक्टली जाएगा क्रिकेटर्स को, क्योंकि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बाद अगर किसी को प्रेफरेंस है तो वो है क्रिकेट पर्सनालिटीज को। अगले कुछ महीनों में सूर्यवंशी, कूली नंबर 1, खाली पीली, लक्ष्मी बॉम्ब ऐसी सारी मूवीज रिलीज होने वाली है। अभी इसमें से सड़क 3 कौन सी बनेगी ये तो आप ही जानो। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को ना ही पब्लिक भूली है और ना ही पब्लिक इन मूवी स्टार्स को ये भूलने देंगी। बॉलीवुड की जो इमेज है वो पब्लिक की नजर में बहुत ज्यादा गिर गई है, और इसी पब्लिक के नजरिए की वजह से बॉलीवुड कम से कम 10,000 करोड़ का नुकसान कर बैठा है। इस सब के बारे में आपका क्या मानना है, आपकी क्या सोच है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और बॉलीवुड कैफे को सब्सक्राइब कर देना।